कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे ये स्वराज का 963 FE है, फोर व्हील ड्राइव के अंदर है, 5-स्टार ट्रैक्टर है और किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर ये लैंड फोर्स 10 में इसका जो सुपर सीटर है वो चला रहे हैं। तो इनसे जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में और इस सुपर सीटर के बारे में कि कैसा परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का और सुपर सीटर के ऊपर, क्या डीजल खपत ये कर लेता है और आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे किस तरीके का, कैसा चलता है इसके ऊपर ये ट्रैक्टर। तो सबसे पहले आपका किसान भाई के साथ हम परिचय एक बार करा देते हैं। तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आप उन्हें अपना परिचय कराएं। संतराम बोल रहा हूं भराने से जी। तो संतराम जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, इससे पहले अपने पास कौन सा ट्रैक्टर था? स्वराज 855। स्वराज 855 जी। तो उसके बाद आपका 963 लेने का विचार? जी, वो भी है। अच्छा, वो फिलहाल में वो भी है। तो आप, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका इस ट्रैक्टर को लेने का विचार कैसे बना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों के ट्रैक्टर हैं। देखे, विचार करे और फिर देखने के बाद उन पे मन ठुको ही ना जी। पहले भी स्वराज 855 चलाया, सोचा ये अच्छा है और सुनो भी, और फिर चलाया भी और उस सच में ही अच्छा है जी। आप जैसे कि इससे पहले बता रहे हैं कि 855 है आपके जी, पास जी, जी। तो उसको लगभग कितना समय हो गया होगा अपने वो पास? 2016 मॉडल है। 2016 वो भी आपने नया खरीदा था? बिल्कुल नया। उसकी कीमत का मैं आपसे अंदाजा लूं तो लगभग किस कीमत के अंदर आपने खरीदा? उस टाइम वो 6-10 को नगद था, 6,10,000 का कैश खरीदा था। उसके पहले भी अपने पास कोई ट्रैक्टर था? वो महिंद्रा था 265। उसके पहले 265 चलाते थे जी। तो जब आप 96 में लियो 2,25,500 जी जी जी। तो उसके बाद आप स्वराज ही चला रहे हैं? हाँ, वो भी स्वराज है, ये भी स्वराज, ये 55 है, 963 वो भी है फिलहाल, वो भी है, वो कंप्यूटर मॉडल। इसकी कीमत का मैं आपसे अंदाजा लूँ, ये किस कीमत का? ये 980 में, 9,80,000 आपने ऑन रोड खरीदा जी। तो इसके बारे में जैसे कि आपने कुछ सुना होगा या देखा होगा इसका, तो क्या आपके ट्रैक्टर ने उस तरीके का काम किया? हाँ हाँ, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे जो इच्छा है कि इसमें ये खूबी होंगी और वो है हाई लो मीडियम RPTO कोई से भी गियर में चलाओ जी। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। और अच्छा, इसके बारे में एक सवाल और है मेरा आपसे, बहुत सारे किसान भाइयों से मैं मिला हूँ और बहुत सारे किसान भाइयों ने इसके बारे में जानकारी भी दी है कि इसकी जो डीजल खपत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा नहीं, 1 लीटर लेता 8 फुटे पे रूटर पे, रूटर पे 1 लीटर जी, 8 फुटे। यानी कि कहने का मतलब आपका ये है, जो इम्प्लीमेंट है वो ट्रैक्टर के हिसाब से हो तब ज्यादा बेस्ट है, जब ही एवरेज आएगा। अब ट्रैक्टर ले रखो बड़ोर पे जो आइसर को 7 फाड़े को चलाओ तो कैसे एवरेज आ जाएगा? अभी 8 फुटो है, ये 9 फुटो भी चला सके रूटर जी। अच्छा, आप ये जो सुपर सीटर चला रहे हैं ये कितने फीट? ये 8 फीट का, 8 फीट का सुपर सीटर, इससे बड़ो है ही नहीं। अच्छा, इसके ऊपर मैं अगर आपसे डीजल अंदाजा लूं तो लगभग कितनी डीजल खपत कर लेता होगा घंटे के हिसाब से? जैसे पट खेत में 2.5 लीटर का ले जाए, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर घंटे के हिसाब से? ना ना ना, 1 बीघे में, 1 बीघे के 2.5 लीटर जी। रूटर पे 1 लीटर और जैसे पट खेत है सुपर सीडर पे 2.5 लीटर पट खेत में एक ही फिर में सारा काम कर देगा जी। अच्छा, जैसे कि आप ट्रैक्टर इसके ऊपर चला रहे हैं तो कोई दबने वाली या लोड लेने वाली शिकायत देता हो ट्रैक्टर? कोई मतलब ना, खुल के चले, कोई सीगर में चले। अच्छा, जैसे कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इसके अलावा आपने कल्टीवेटर के ऊपर भी चलाकर देखा होगा इसे, टिलर के ऊपर, तो उसके ऊपर लगभग क्या डीजल खपत इसकी रहती है? टिलर पर हमने एवरेज लगा 11 फाड़े को टिलर है हमारा 55 का, तो उस पर एवरेज लगा बाकी रूटर। अच्छा, उसके ऊपर जैसे कि आपने चलाकर देखा होगा 2 व्हील और 4 व्हील दोनों के अंदर, वहां पर आपको कुछ अंतर लगा ट्रैक्टर के अंदर? अंतर है ऐसे, पहले में जो 2 व्हीलर पे चलाएंगे तो जैसे लोड पे रखोगे तो स्लिप मारेगा जी, कोई भी ट्रैक्टर है जो लोड गियर हो गया, जब आप 4x4 लगा दोगे तो अगले टायर बीच जोर लगाएंगे तो स्लिप खत्म हो जाएगी, चाल और एडवांस हो जाएगा, जो चाल है वो पड़ जाएगी, स्लिपेज की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाए कोई भी ट्रैक्टर है स्लिप, जब तक आप लोड गियर के चलोगे तो ट्रैक्टर तो कोई भी है ज्यादा लोड गियर स्लिप मारेगा जुते हुए, और वहां जो 4x4 लग जाएगा तो स्लिप खत्म हो जाएगा, चाल और एडवांस हो जाएगी और फिर ताकत भी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं जो डीजल खपत है वो भी 2 व्हील ड्राइव के अंदर ज्यादा ही मिलेगी अगर कल्टीवेटर वगैरह के ऊपर हम चलाते हैं, स्लिपेज की वजह से। हाँ हाँ, ज्यादा मिलेगी, लेकिन जब स्लिप खत्म हो जाएगी तो, और या को एवरेज जैसे डीजल के ज्यादा खाता ज्यादा ना और कम हो जाए जी, उतने कम भी तो लेकर आ जाएगा जी, यानी कि काम की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर डीजल जो एवरेज जुड़ेगा तो डीजल की एवरेज घट जाएगी जी। अच्छा, स्वराज के साथ में आपको जैसे कि काफी समय हो गया, हाँ, 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 तो आपको कोई कमी पेशी या शिकायत नजर आई हो ट्रैक्टर के अंदर? अगर कमी होती तो हम दूसरों क्यों लेते जी, क्यों लेते, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप इसे चलाकर भी दिखाओ किस तरीके का, कैसा परफॉर्मेंस है इसका। भाइयों, ये 963 है FE, 63 SP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है भाइयों, 4 व्हील ड्राइव के अंदर है, किसान भाई ने आपको जानकारी दी, अब आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। ये सुपर सीटर है भाइयों, 8 फीट का,
लैंड फोर्स दशमेश वालों का ये सुपर सीटर है। और इसके ऊपर अगर आप परफॉर्मेंस इसका देखेंगे तो ट्रैक्टर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं है किसी भी तरीके का। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। कोई किसान भाई ने लीवर वगैरह पर कुछ कहीं भी हाथ नहीं लगा रखा, और ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी किसी तरीके का ना धुआं है ना कोई लोड है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ट्रैक्टर। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है भाइयों, और ये आप लोग देख सकते हैं ये भाइयों लैंड फोर्स दशमेश का सुपर सीटर है और 8 फीट का चौड़ाई का सुपर सीटर है ये। और भाइयों ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे ये जो खेत है ये बिना जुता हुआ खेत है, और बिना जुते हुए खेत के अंदर डायरेक्ट ये बुआई चल रही है गेहूं की दोस्तों।
तो भाइयों ये थी स्वराज 963 FV 5 स्टार 4 व्हील ड्राइव के अंदर ट्रैक्टर था। सुपर सीडर के ऊपर आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाया, किसान भाई के साथ भी आपका जो है परिचय करा दिया है किस तरीके का कैसा परफॉर्मेंस था, आप लोगों ने भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।